कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोगा के गांव किली चाहला में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम आय की व्यवस्था लागू करने का वादा किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी मिनिमम इनकम देने का काम करेगी। यह राशि सीधे बैंक अकाउंट में जाएगी। राहुल ने कहा कि वर्तमान में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गुरुनानक जी की प्यार और प्रेम की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस की लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की विचारधारा है। हिंदुस्तान में जो मोदी जी ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों को बेरोजगार किया है, हम हिंदुस्तान से गरीबी मिटा देंगे। राफेल डील के मसले पर पीएम मोदी पर हमला। मंच से राहुल ने पूछा कि राफेल विमान की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट क्यों बदला। देश में आज निराशा का माहौल है, युवा और किसान मायूस है, देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। नफरत का यह माहौल पंजाब सहित पूरे देश के लिए खतरनाक है। केंद्र सरकार सही मुद्दों से भटका कर लोगों को एक दूसरे से लड़ा रही है। पीएम बनने से पहले मोदी ने जो वादे किए थे वे भूल गए। मोदी जी राफेल मामले में अपने मित्र को करोड़ों दे सकते हैं, लेकिन पंजाब सरकार का पैसा नहीं दे रही। एक राफेल विमान 526 करोड़ रुपए का था। मोदी जी ने प्रोजेक्ट बदला और दाम बढ़ा दिया और 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए। मोदी ने 10 दिन पहले बनी अंबानी की कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी सरकार ने कहा था कि राफेल खरीदना है तो अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। मोदी के बारे में लोग पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब कहते हैं चौकीदार चोर है। मोदी ने नोटबंदी के पूरा बुनियादी ढांचा बिगाड़ दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। कहते थे कि यह काले धन के खिलाफ लड़ाई है। अगर यह काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो विजय माल्या, नीरव मोदी, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी जैसे लोग बैंकों की लाइन में खड़े क्यों नहीं थे? हरित क्रांति, मनरेगा, श्वेत क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, यह कांग्रेस की देन है। भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि उसने 5 साल में क्या किया जिससे देश में बदलाव आया। जब मैंने पंजाब में नशे की बात की तो अकाली दल ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन यह सच्चाई बाद में सामने आई। मैं मोदी जी से कहता हूं कि प्रवर्तन निदेशालय केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार नशे में लिप्त बड़े तस्करों पर कार्रवाई करें। एन वक्त पर बदला रैली का नाम। कांग्रेस की इस रैली का नाम एन वक्त पर बदल गया। अब रैली को बढ़ता पंजाब, बदलता पंजाब लोकसभा मिशन 13 नाम दिया गया है।